हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रूट कस्टर्ड की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो इस फ्रूट कस्टर्ड को हम व्हिप क्रीम से डेकोरेट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैं डालूँगा 3 चम्मच या फिर 3 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। अब इसमें मैं डालूँगा 1/3 कप रूम टेम्परेचर दूध। अब इसको हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे तो हमारा कस्टर्ड का मिक्सर है वो बनकर तैयार हो गया है। इसको अब हम साइड में रख देंगे। तो गैस पर चढ़ा दिया है मैंने पैन, गैस की फ्लेम को कर दिया है मीडियम। अब इसमें डालूँगा मैं लगभग 2.5 कप दूध। अब इसके अंदर डालूंगा मैं लगभग 1/3 कप चीनी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और चीनी को घोल लें और इसमें एक उबाल आने तक हम इसे कुक करेंगे। तो आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है और यहाँ पे जो हमने कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाया था या मिक्सर बनाया था उसको हम एक बार अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको हमें लगातार चम्मच से या फिर स्पैचुला से चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे चिपक सकता है। तो अब इसमें उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे फिर से। अब इसके अंदर मैं डालूँगा 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम। तो क्रीम को मैंने व्हिप नहीं किया है, बस वैसे ही 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है। तो इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको हम स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो क्रीम मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम एक उबाल आने देंगे और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, इसको हमें ठंडा कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है लगभग 1 घंटे के लिए। तो हमारा मिक्सर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको हमें एकदम स्मूथ बनाना है तो इसके लिए हम एक मिक्सिंग जार लेंगे। इसमें डाल देंगे हम सारा कस्टर्ड मिक्सर का घोल या फिर जो हमें बनाकर तैयार किया है ये कस्टर्ड। तो इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देना है और इसका ढक्कन लगा के हम इसको एकदम लगभग 10-12 सेकेंड के लिए पीस लेंगे। तो इसको हमने अच्छे से 10-12 सेकंड के लिए अच्छे से पीस लिया है। आप देख सकते हैं इसका एकदम स्मूथ घोल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें डालूंगा मैं एक मीडियम साइज का कटा हुआ एप्पल यानी कि सेब। इसमें डालूंगा मैं अनार। तो यहाँ पे मैं लगभग 3 टेबल स्पून अनार लिए हैं। अब इसमें डालूंगा मैं लगभग 7 से 8 काजू जिसको मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पे डालूंगा मैं 8 से 12 किशमिश, ये काली किशमिश है, आप सफ़ेद वाली या फिर दूसरी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाल दूंगा मैं लगभग 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, आप चाहें तो डालें नहीं तो नहीं डालें। आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको हम लगभग 0.5 से 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो लगभग 0.5-1 घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। हमारा जो कस्टर्ड है एकदम बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको सर्व करने के लिए इस तरह के आइसक्रीम के जो कप्स आते हैं वो लिए हैं। तो इन कप्स को मैं कस्टर्ड से भर दूंगा जो हमने बनाकर तैयार किया है ये कस्टर्ड। तो 3 गिलासों में मैं इसी तरह कस्टर्ड को भर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्रीम को व्हिप कर लिया है, जो व्हिपिंग क्रीम ली थी उसको मैंने व्हिप कर लिया है 2 टेबल स्पून चीनी के साथ। अब इस पर मैं यानी कि कस्टर्ड जो हमने बनाकर तैयार किया है इसको हम व्हिप क्रीम से डेकोरेट कर देंगे। तो दोस्तों, ये व्हिप क्रीम से डेकोरेट करना ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें ना चाहें तो ना करें। इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा व्हिपिंग क्रीम से। तो इस तरह मैं सभी बार इसी तरह डिज़ाइन बना लूँगा। आप अपने मन के अनुसार इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं।
सभी को मैंने व्हिप क्रीम से डेकोरेट कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगा थोड़े से अनार के दाने। अब इस पर लगा दूंगा मैं एक काजू और एक किशमिश। तो दोस्तों हमारा कस्टर्ड है वो बनकर तैयार हो चुका है, फ्रूट कस्टर्ड। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो या रेसिपी पसंद आई हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।